कृष्णा, ये ऑफर और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन में जो केस आता है, पॉवेल वर्सेस ली, ये केस मुझे एक्सप्लेन कीजिए। हाँ अर्जुन, सुनो। तो मिस्टर पॉवेल ये कैनफोर्ड स्कूल के एक टीचर थे और उस स्कूल के रेक्टर थे मिस्टर ली। मिस्टर ली उस स्कूल के मैनेजिंग कमिटी के चेयरमैन भी थे। अब मिस्टर ली और दूसरे ट्रस्टीज ने ये डिसाइड किया कि हमने हमारे स्कूल के लिए एक नया हेडमास्टर अपॉइंट करना चाहिए। तो मिस्टर पॉवेल ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया और उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अब मिस्टर पॉवेल का सिलेक्शन हो गया फाइनल राउंड में अपॉइंटमेंट के लिए। मैनेजिंग कमिटी ने ये डिसाइड किया कि चलिए हम मिस्टर पॉवेल को ही अपकमिंग हेडमास्टर बनाएंगे। लेकिन उनके मीटिंग में कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि ये डिसीजन मिस्टर पॉवेल को बताना चाहिए। अब फॉर्मल अपॉइंटमेंट होने से पहले ही एक जो ट्रस्टी थे मिस्टर डिसमोर, उन्होंने पॉवेल को ट्रस्ट का जो डिसीजन है वो खुद से ही कम्युनिकेट कर दिया, इवन विदाउट द रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रस्ट। लेटर कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से ट्रस्ट का वापस से मीटिंग हुआ और ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया कि हम पॉवेल को नहीं किसी और को अपॉइंट करेंगे एज अ हेडमास्टर। जब पॉवेल को ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने स्कूल के ऊपर कोर्ट केस किया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने ये कहा कि देखिए मिस्टर पॉवेल, आपको कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं आया था मैनेजिंग कमिटी या ट्रस्ट के तरफ से। ये जो मिस्टर डिसमोर है ये एक बोर्ड के मेंबर है, बट उन्होंने अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में आपको इन्फॉर्म नहीं किया। उन्होंने आपको जो इन्फॉर्म किया था डिसीजन वो अनऑफिशियल था, तो इसीलिए उनके तरफ से आपको कोई वैलिड ऑफर या एक्सेप्टेंस आया ही नहीं। और जब आपको कोई वैलिड ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसीलिए आपके और स्कूल के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कंक्लूजन में पार्थ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी बाय अ पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू गिव सच एन कम्युनिकेशन।